हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों, मेरे पास ये जो हैंडसेट है इन्फिनिक्स ब्रांड का है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स हॉट 11। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स हॉट 11, ओके। और दोस्तों डिवाइस हमारी ऑन है और डिवाइस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पिन लॉक है। आप देख सकते हैं इंटर पिन और डिवाइस हमारी पिन लॉक है। तो दोस्तों अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 11 यूज कर रहे हैं और आपके डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके इन्फिनिक्स हॉट 11 में लगा हुआ है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 11 का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे, ओके। तो दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ करना होगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहां पे आपको तीन बटन देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलता है, ओके। अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले वो मेथड मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर देता हूं, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ओके। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ कर लेना, ओके। और जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन है और पावर बटन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन है और पावर बटन, आपको इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, ओके। आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपके डिस्प्ले पे इन्फिनिक्स का लोगो दिखेगा। जैसे ही आपकी डिवाइस ऑन होगी, आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। इतना करने के बाद आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी, ओके। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवाइस को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ कर लेना, ठीक है। तो आप सिंपल पावर बटन को प्रेस करें और डिवाइस को सबसे पहले आप पूरी तरह से पावर ऑफ कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ कर लेता हूँ, ओके। डिवाइस हमारी पूरी तरह से पावर ऑफ हो गई, ठीक है। और अब देखिएगा दोस्तों, इधर राइट साइड में आ जाता हूँ तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा वॉल्यूम अप और पावर बटन। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है। डिवाइस जैसे ही ऑन होगी, हम दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ऐसे ही आपको प्रेस करके रखना है, जैसे ही डिवाइस ऑन होगी आप दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ये देखिए ऑन हुई, हम दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड वेट करिए और आप देखेंगे दोस्तों आपकी डिवाइस टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है। और जैसे ही दोस्तों डिवाइस आपकी रिकवरी मोड पे एक्टिव होगी तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। ऊपर की तरफ देखिए लिखा XOS और नीचे की तरफ लिखा नो कमांड। डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी के जो कमांड है, जो मेन्यू है, वो सारे मेन्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली करना ये है दोस्तों कि पावर बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है, ओके। और उसके बाद वॉल्यूम अप वाली बटन को जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपकी डिवाइस का ये जो रिकवरी मेन्यू है कंटिन्यू यहां पे शो करने लगेगा, ओके। अब चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो मैं यहां पावर बटन को प्रेस करके रखा हूं, ओके। और उसके बाद वॉल्यूम अप वाली बटन को एक बार प्रेस करूंगा तो ये देखिए डिवाइस के जो भी रिकवरी मेन्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरे रिकवरी मेन्यू यहां पे शो करने लगा, ओके। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब डिवाइस को आपको अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, ठीक है। इसलिए यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपको जाना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। तो आप सिंपल वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करें और चले आए वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे। ये देखिए दोस्तों, हम चले आए हैं वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे, ओके। यहां पे आने के बाद आपको ओके करना है, ठीक है। तो ओके करने के लिए आपको सिंपल पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये रहा पावर बटन, हम सिंपल पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो यहां पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, कैंसल और फैक्ट्री डेटा रीसेट। आपको डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए आपको जाना होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप सिंपल वॉल्यूम डाउन बटन की हेल्प से चले आए फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये देखिए हम चले आए फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे। अब
यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको ओके करना है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे ओके करने के लिए पावर बटन को प्रेस करेंगे, याद रहे दोस्तों, यहाँ आपके डिवाइस का सारा डेटा, जैसे कि आपका म्यूजिक हुआ, वीडियोज हुआ, फोटोज हुआ, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाता है, लेकिन डिवाइस आपकी अनलॉक हो जाती है। एक चीज बता दूं दोस्तों, डिवाइस जब आपकी लॉक होती है तो डेटा बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा कोई भी ऑप्शन होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता, ठीक है। तो हमें चूंकि दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, ठीक है, इसलिए हमें सिंपल यहाँ पे ओके करना होगा। और ओके करने के लिए आपको पता है सिंपल, आप पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ वाइपिंग डेटा, फॉर्मेट डेटा, और कुछ सेकेंड वेट करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा डेटा वाइप कंप्लीट, छोटा सा लिखा हुआ है डेटा वाइप कंप्लीट, यानी कि हमारे डिवाइस का वाइप डेटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, डिवाइस हमारी फिर से रिकवरी मोड पे, बैक मेन्यू पे बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, यानी कि वाइप डेटा कंप्लीट हो चुका है, आप डिवाइस को रिबूट करिए, ठीक है। तो रिबूट करने के लिए सिंपल आप यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहां डिवाइस हमारी रिबूट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिंपल पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूं और यहां हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 पूरी तरह से रिबूट हो जाएगी, यानी कि रिस्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं डिवाइस हमारी पूरी तरह से रिबूट हो गई। और दोस्तों अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने तक। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं इन्फिनिक्स हॉट 11 का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी तरीका, सबसे सटीक तरीका। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 11 का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने सवाल और प्रॉब्लम हमसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने सवाल और प्रॉब्लम आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मुझसे शेयर करें, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सलूशन देने की कोशिश करूंगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जब भी आप डिवाइस को हार्ड रीसेट करते हैं तो डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव होने में वक्त लगता है। ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं हार्ड रीसेट। तो डिवाइस एक्टिव होने में वक्त लगता है, तो आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली कुछ समय वेट करने के बाद हमारी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, पहले हमारी डिवाइस जो है कि पिन लॉक थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी डिवाइस टोटली अनलॉक हो चुकी है, ओके। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल ये जो एंड्रॉयड सेटअप है इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो चलिए एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी कंट्री हो। तो यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, ओके। यहाँ से आपको स्किप करना है, ओके। और यहाँ देखिए बैक और स्किप, आपको स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट करें, ओके। यहाँ एक बॉक्स आपको मिलेगा, आई हैव रीड एंड एग्री, आपको इस बॉक्स को चेक करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, ओके। यहाँ आपको मोर पे क्लिक करना है, मोर एक्सेप्ट, ओके। यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या फेस लॉक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा, मैं सिंपल यहाँ स्किप पे क्लिक करूंगा, ओके। फिर से हम यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे, ओके। और फाइनली वेलकम XOS, यहाँ पे ये एरो है, आपको सिंपल इस एरो पे क्लिक कर देना है, ओके। और कुछ सेकंड वेट करिए दोस्तों, यहाँ आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, हमारे डिवाइस का एंड्रॉयड सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ओके। ये देखिए लॉन्चर है जो कि सेट हो रहा है, और ये देखिए फाइनली जैसे ये सेटअप मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आप देखिए डिवाइस पे यहाँ किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में
आप अपनी राय हमसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।